आप हजरात ने बहुत अच्छे अच्छे शोरा इकराम को मधु किया है। जैसा कि मैंने आप हजरात को बताया था कि शोरा इकराम की तारीख लेने में लोगों को सालहा साल लग जाया करता है, लेकिन तारीखें नहीं मिल पाया करती है। ये अजीजम सुफियान प्रतापगढ़ी आज हिंदुस्तान का वो एक इकलौता और चहेता शायर है जिसको पूरी हिंदुस्तान आज बहुत ही अकीदत और मोहब्बत से देखती है और जानती है और पहचानती है और सुनने के लिए बेताब रहती है। आप हजरात ने भी अजीजम सुफियान प्रतापगढ़ी का इस्तकबाल किया, मैं भी अपनी तरफ से कमेटी की तरफ से उनका इस्तकबाल करता हूं और तमाम शोरा इकराम का और तमाम उलमा इकराम का और उसके साथ साथ आप हजरात का और जिन हजरात ने इस प्रोग्राम को रचाया है, सजाया है, जिन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा और दिनों रात की मेहनत को कुर्बान करके आज के इस अजीमशान प्रोग्राम का इनेकाद किया। वरना देखा तो यूं जाता है, जब भी मुसलमान नौजवान बेदार होता है तो क्रिकेट का मैच करा दिया करता है, और ज्यादा अगर बेदार होता है तो वॉलीबॉल का मैच करा दिया करता है, और ज्यादा अगर मुसलमान बेदार होता है तो कैरम बोर्ड का मैच कराया जाता है। लेकिन कुर्बान जाए इस गांव के ऊपर, इस गांव के नौजवानों के ऊपर कि ये नौजवान जब कुर्बान हुए तो आका इनामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात की महफिल को सजाया। मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल को और आप हजरात को और कराने वालों ने जिसने भी जिस तरह से इसमें ताउन किया सबको कबूल फरमाए। मैं आप हजरात को थोड़ी सी जहमत और देता हूँ, थोड़ा सा आपका वक्त और लेता हूँ। हमारे स्टेज पर एक हिंदुस्तान की और बल्कि जामिया अरबिया हथौड़ा बांधा की एक मायनार शख्सियत तशरीफ रखती है जो हमारे भी उस्ताद मुहतरम है। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ बिना किसी ताखीर के मैं चाहता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इरफानी व इस्लाही बयान से हम तमाम सामाइन के कुलूब को महजूज फरमाए। इन अशार के साथ अहले दुनिया न रहा लाई के उकबा न रहा, अहले दुनिया न रहा लाई के उकबा न रहा, जो सहाबा को न समझा वो कहीं का न रहा, जो सहाबा को न समझा वो कहीं का न रहा। अरे तू मुसलमान है तो औरों पे भरोसा कैसा, तू मुसलमान है तो औरों पे भरोसा कैसा, क्या तुझे सुन्नते नबवी पे भरोसा न रहा। इन्हीं अशार के साथ माइक पर नमूने असलाफ उस्ताज़ुल उलमा हजरत मौलाना मसर्रत हुसैन साहब दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने नूरानी व इरफानी व इस्लाही बयान से हम तमाम सामईन के कुलूब को महजूज फरमाए। صلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها صدق الله العظيم حضرات علماء کرام محترم بزرگوں مکرم دوستو इज़्ज़त में आप माओं और बहनों हमारे लिए ये इंतहाई खुशी और सआदत की बात है कि आज एक छोटे से मौज़ा आवाज़ीपुर के अंदर नायक हिंदुस्तान के नामवर उलमा बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से चुनीदा शुआरा जिनके नाम को सुनकर लोग मीलों का सफ़र तय करके उनकी शायरी के लिए हाजिर होते हैं, शायरी की समाअत के लिए। आप हजरात ने पोस्टर में जिन शुआराए एजाम के नाम पढ़े होंगे अल्लाह का फजल है कि शुआरा में शुआरा के वो अस्माए गिरामी जो पोस्टर में दर्ज हैं वो फर्जी नहीं बल्कि हकीकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम के तमाम शुआराए एजाम आपकी सरजमीन आवाज़ीपुर के अंदर तशरीफ फरमा है। मैं अजीज़म मोहम्मद सुफियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वक्त का एक नन्ना मुन्ना एक मासूम सा उभरता हुआ सितारा है जिसकी आवाज़ पर अल्लाह ताला ने ऐसी कशिश रखी है और जिसकी शायरी में अल्लाह ताला ने ऐसा कमाल रखा है कि जो अपनी लबो लहजे और अपने शायरियत में बड़े बड़े शुआरा में बज़ाहिर फ़ायद नज़र आता है, अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत व आफियत भी अता फरमाए, नजर बस से इसकी हिफाजत भी फरमाए और इसकी आवाज़ में अल्लाह ताला मजीद जिला अता फरमाए।
और इल्म फन के एतबार से भी अल्लाह इसको कामिल और मुकम्मल फरमाए। मुझे आप हजरात के सामने हजरात शुआरा का तारुफ नहीं कराना, इसके लिए नादिम इजलास तशरीफ रखते हैं और आप हजरात के दरमियान बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू भी नहीं करनी। मैंने सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया है, मुमकिन हुआ तो उससे पहले भी मैं आप हजरात के दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। मौजू की मुनासबत से कुछ बातें आप हजरात के समातों के हवाले करनी है। मोहतरम बुजुर्गो, मुकर्रम दोस्तों, आपको ये मालूम है कि आज की इस मजलिस का इनेकाद किस मौजू पर है। अभी जनाब मौलाना मतीनुल हक साहब उसामा दामत बरकातहुम ने नहायत बलबला अंगेज और पुरमग़्ज़ खिताब आप हजरात के सामने पेश किया, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने अपना दिल निकाल कर रख दिया तो गलत नहीं होगा। लेकिन चूंकि आप हजरात के जो जज्बात हैं और जिन ख्यालात और जिन आरजुओं की बुनियाद पर आप यहाँ तक तशरीफ लाए हैं, हमें उसका एहसास है, इसलिए हम आपके दरमियान और आने वाले अपने मेहमान शुआरा के दरमियान बहुत देर तक हायल नहीं होंगे। लेकिन इतना बताना ज़रूरी है कि ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना अकीदत व मोहब्बत, जो हमारी ज़िंदगी के दर्द का दरमा है और हमारी ज़िंदगी का एक अजीम सर चश्मा है, इसकी बुनियाद पर आप यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। हज़रात शुआरा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत के बढ़ाने में गोया एक वास्ता है। मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, जनाब मौलाना मतीनुल हक साहब उसामा ने आप हजरात के सामने हदीस पाक पेश की थी। ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुन अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नास अजमईन। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता, फरमाते हैं कि जब तक मैं उस शख्स के नज़दीक उसकी औलाद से, उसके वालिदैन से और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक है और यकीनन एक ऐसा हक है कि जिसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। आप वो ज़ाते गिरामी हैं, आप वो ज़ाते गिरामी हैं कि सूरत के एतबार से बेबी मिसाल है और सीरत के एतबार से बेबी मिसाल है। आप सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, आप अंबिया और रसूलों के सरदार हैं। और मैं आपसे ये कहता हूँ, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। किसी कहने वाले ने कहा, मैं क्या हूँ, मेरी मदह क्या है ऐश है शाहां, हसान और फरजदक है जहां आजिज़ो हैरा। मैं क्या हूँ, मेरी मदह क्या है ऐश है शाहां, हसान और फरजदक है जहां आजिज़ो हैरा। शर्मिंदा जमाने से गए वायलो साहबा, आजिज है सखुन फहम सखुन संज सखुन दा। क्या मिदह कफे खाक की हो नूरे खुदा की, लुगनत यही करती है जबाने फुसहा की। ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसर से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत की सुबह तक आपकी मदह सराई हो रही है और होती रहेगी, लेकिन आज तक कोई आपके कमालात का और आपके जामे औसाफ का हक अदा न कर सका। कहने वाले ने कहा, न लिखी गई मुकम्मल, न लिखी गई मुकम्मल कभी सीरत मोहम्मद, कई बार लिखते लिखते खत्म हुई रोशनाई। उसकी वजह यह है कि आप जिस तरीके से कमालात के जामे हैं, आप जिस तरीके से मानवी सीरत के जामे हैं, आपकी सूरत भी परवरदिगार आलम ने बेमिसाल बनाई है, आपकी सूरत परवरदिगार आलम ने बेनजीर बनाई है। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, बनु साद रसूलल्लाह की जिस साल विलादत हुई थी, बनु साद की औरतें बच्चों को लेने के लिए आई थी। बनु साद की तमाम औरतों ने हज़रत सल्लम के घर में दस्तक दी, लेकिन जब मालूम हुआ कि हज़रत सल्लम एक यतीम बच्चे हैं तो हज़रत सल्लम को लेने से हर एक ने इनकार कर दिया। दाई हलीमा भी तशरीफ लाई थी और उन्होंने भी लेने से इनकार कर दिया। जब दाई हलीमा को कोई बच्चा मक्कतुल मुकर्रमा में न मिला, आखिर में शर्मिंदा होकर के उन्होंने सोचा कि हज़रत सल्लम को ही ले लिया जाए, उन्हें क्या खबर कि आइंदा चल करके ये शहनशाह अंबिया बनने वाले हैं, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन बनने वाले हैं। उन्होंने
نے سوچا اسی بچے کو لے کر کے اکتفا کیا جائے۔ حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا میں آپ کی اس بچے کو لینے کے لیے تیار ہوں، ذرا مجھے وہ بچہ تو دکھاؤ آمنہ۔ حضرت آمنہ فرمانے لگی کہ حلیمہ یہ تو وہی بچہ ہے جس کے لینے سے تم نے انکار کر دیا تھا۔ فرمایا میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے کہ میں اسی بچے کو اپنے ہمراہ لے کر کے جاؤں۔ فرمایا حلیمہ اندر آؤ۔ حضرت حلیمہ کو حضرت آمنہ نے اندر بلایا۔ آپ سفید کپڑے میں ملبوس لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم اطہر پر چادر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ کی نظر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی تو حضرت حلیمہ کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا اور حضرت حلیمہ نے کہا آمنہ میں نے تو ایسا بچہ کبھی اس سے پہلے دیکھا نہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی ہے، تو دیہات کی رہنے والی ہے، تو نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، میرا تعلق شہر مکہ سے ہے، شہر مکہ کے اندر میں نے بہت سے نومولود بچے دیکھے لیکن میں نے ایسا بچہ کبھی دیکھا نہیں ہے۔ خواجہ ابو طالب حاضر ہوتے ہیں فرماتی ہیں آمنہ کہ تم شہر مکہ کے رہنے والی ہو اور شہر کے پیمانے پر کہتی ہو کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، میں نے ملکوں کا سفر کیا ہے، میں نے ملکوں کا سفر کیا ہے لیکن ایسا بچہ میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ کہنے والے نے کہا کہ کوئی اگر حضرت جبریل سے پوچھتا حضرت جبریل ذرا یہ بتاؤ کہ کیا آپ نے ایسا بچہ دیکھا، تو حضرت جبریل کہتے کہ ملک کی بات نہیں، گاؤں کی بات نہیں، شہر کی بات نہیں، اور ملکی اور ملکوں کی بات نہیں، میں نے سارے عالم کا چکر لگایا ہے لیکن میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ آپا کہا گردی دہم مہرے تباں ورزی دہم، آپا کہا گردی دہم مہرے تباں ورزی دہم، بسیار خوبا دی دہم لیکن تو چیزیں دی گری۔ فرمایا سارے عالم کا چکر لگایا ہے اور بڑے بڑے حسینوں کو میں نے دیکھا ہے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا جو پروردگار عالم نے بنایا ہے ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں کسی کے رخ کو اور کسی کے حسن کو ایسا نہیں بنایا۔ میرے عزیزوں کہنے والا کہتا ہے کہ اگر اللہ سے کوئی پوچھے گی اے اللہ کیا تو نے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی حسین و جمیل آپ نے بنایا، تو اللہ یہی کہیں گے کہ کائنات میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ ملے کیسے، میں نے تو آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو بنایا ہی۔ سورت تیری معیار کمالات بنا کر، سورت تیری معیار کمالات بنا کر دانست و مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ آج اسی ذات اقدس کی حمد، اسی ذات اقدس کی مدح اور اسی ذات اقدس کی نعت پاک سننے کے لیے حضرات شعرا کی زبانی آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو مبارک فرمائے۔ لیکن میں آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ جس عقیدت اور جس محبت کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اس عقیدت اور محبت کو برقرار رکھتے ہوئے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا میں جس مقصد کے لیے ہوئی تھی، یعنی انسانوں کے اندر انسانیت کو پیدا کرنے کے لیے، ہمیں اپنے اندر انسانیت کو آپ کے اسوے کی روشنی میں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اس فکر کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اس فکر کو عام کرنا ہے اور اسی فکر کے ساتھ مرنا ہے اور اسی فکر کے ساتھ جینا ہے۔ ہم نے اگر اس مجلس میں حضرات شعرا کی زبانی ان سے نعت و منقبت کے اشعار سن لیے اور ان کی مترنم آوازوں سے مسحور ہو کر کے ہم نے واہ واہ کی صدائیں لگا لی، فجر کی نماز چھوڑ دی اور یہاں سے جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے جو جذبات آپ کے دلوں کے اندر ہیں وہ جذبات جا کر کے سرد پڑ گئے اور انہوں نے آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع کی طرف نہیں ابھارا، تو آپ کا یہ آنا اور آپ کا مجلس کے اندر مشقتیں برداشت کر کے پوری انتہائی وارافتگی کے ساتھ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بیٹھنا گویا اکارت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آمد کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرات شعراء اعظام سے جو اشعار سنیں ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا۔ بہت ہی مختصر وقت میں آپ حضرات سے رخصت ہو کر کے اپنی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی،
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔